हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चाहे वो स्कूल की कमेटी हो, स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर हो, हम सभी लोगों के माइंड में अभी तक एक ही कन्फ्यूज़न चल रहा था कि क्या क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो बच्चों, इससे रिलेटेड आज हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ऑनरेबल रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कई सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, और जिसका सिर्फ मोटिव ये था कि इस पैंडमिक में, इस सिचुएशन में जहां डेली बेसिस पे 2-2.5 लाख कोरोना केसेस आ रहे हैं, इसमें क्लास 12 सीबीएसई के बच्चों के भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, उसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है। उसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये रखी गई कि आप लोगों की एग्ज़ाम तो कराई जाए, लेकिन एग्ज़ाम में जो सीबीएसई में अराउंड 200 सब्जेक्ट्स हैं, उस 200 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम ना करा के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम कराया जाए, और उनके बेसिस पे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनमें बच्चों को मार्क्स दिया जाए और क्लास 12th के बाद उनको प्रमोट किया जाए। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट ये रखी गई कि जो एग्ज़ामिनेशन पीरियड है, जो 3 घंटे के एग्ज़ाम हम लोगों के अभी तक हो रहे थे, वो 3 घंटे के एग्ज़ाम ना हो के 1.5 घंटे के एग्ज़ाम हो। एंड एक बात और निकल के आई थी इस मीटिंग में, और वो ये था कि बच्चों को जो स्कूल के अंदर जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, जो उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, उनके बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाए और बच्चों को क्लास 12th में प्रमोट किया जाए। गाइज, जो इस पर लास्ट फैसला आया, जो अंतिम निर्णय आया, जिसको ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने लिया, उन्होंने ये बताया कि एग्ज़ाम तो होंगे, बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन पेपर के फॉर्मेट क्या होंगे, इन सब पे जो डिसीज़न लिया जाएगा वो डिसीज़न आप लोगों का आएगा 1 जून को। मीन्स 1 जून तक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो एग्ज़ाम में जो पेपर्स आएंगे, उस पेपर्स का पैटर्न क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो अभी तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे थे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे थे, हो सकता है उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जगह आप लोगों को MCQs मिले, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जगह आप लोगों को हो सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिले। तो बच्चों, आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, और इसमें एग्ज़ाम से आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, आप लोगों को प्रिपरेशन करते रहना है, और आप लोगों को अपना 100% प्रोवाइड करना है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी लगन के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।